सम्माननीय कैलाश सोनी जी जिलाध्यक्ष रहे, जिलाध्यक्ष के बाद सीधे राज्यसभा में पहुंचे हैं। आज उनका नरसिंहपुर में सम्मान हुआ, स्वागत हुआ, जनता का अभूतपूर्व प्रेम मिला। क्या कहना चाहेंगे, जिले की क्या प्राथमिकताएं रहीं? जिले की अभी जो देश की प्राथमिकता है कृषि, और विशेषकर अपना नरसिंहपुर जिला कृषि आधारित है। हमारे जो शहर भी हैं ये कृषि आधारित हैं, तो इसके जो चैलेंजेस हैं वो ही अभी वर्तमान में सबके चैलेंजेस हैं, पार्टियों के भी हैं, जनता के भी हैं, किसान के भी हैं। वही हमारे उन प्राथमिकताएं हैं कि जो कमी रह गई है, कृषकों की जो कठिनाइयां हैं वो हल होना चाहिए, और उसके लिए ऊपर के फोरम पे हमें इस बात। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है नरसिंहपुर के लिए, हम बात कर रहे हैं, यहाँ कोई उद्योग अभी, नहीं है। अभी आप देखिए, ये कल्पना करिए कि जब तक दिग्विजय सिंह का कालखंड कितना रहा, एक आदमी को नौकरी नहीं लगाई, उल्टे निकाला। अभी आप इंडेक्स उठा के देखिए कि कितनी नर्सों की भर्ती की। इतने ही नहीं तो अतिथि शिक्षकों के लिए हमने कि भोजन चलता रहे कि भैया एक पीरियड पढ़ाओ, दो पीरियड पढ़ाओ, संविदा पे। और जितनी टोटल कर्मचारियों की भर्ती हुई है और आर्थिक संसाधन जुटाए हैं, क्या माने जो एजुकेटेड पर्सन है वो यदि लोन लेना चाहे तो अपने ही शहर में यदि आप देख लो कितने काम लग गए। अब हाटलें बन रही हैं, पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं, बाकी के कारखाने कितने लग गए हैं यदि आप बारीकी से देखेंगे तो। स्वरोजगार भी बहुत काम सृजित करते हैं, केवल नौकरी वो नहीं है, बल्कि अमात्य चाणक्य ने कहा था बहुत राज्याश्रय आधारित नहीं लेना चाहिए जनता, नहीं तो अकर्मण्यता आती है। तो अपने बलबूते पर कर रहे हैं, लेकिन आपका कहना सही है, एक एक आदमी का उपयोग, ये इनिशियल स्टेज में जिसकी कमजोरी हो गई 1947 में आज़ाद होने के बाद, यदि हम विलायत का रिहर्सल नहीं करते तो शायद ये चैलेंजेस नहीं खड़े होते। अब इतना समेटना है 50-60 साल का, चीन इसलिए आगे निकल गया, उसने एक एक आदमी का उपयोग किया। अभी आप देख रहे हैं ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, कितने काम के घंटे बचेंगे, कहाँ जाएगी हमारी गति, समाज का विकास किस तेज़ी से होगा। ये अभी आप देखना, जैसे अभी हम सागर 1.5 दिन में जाते थे, अब 1.5 घंटे में जा रहे हैं। यदि जी गति बच गई तो हम काम एक एक फाटक पे 2,000-2,000 आदमी, 1,500 आदमी, 1,500 आदमी हर फाटक पे खड़ा है, डीजल पेट्रोल फिर से स्टार्ट करो, फिर से बंद करो। और शरीर की क्षमता है, खा पी लिया, काम नहीं करेंगे तो बेकार जाएगा, हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी खड़े खड़े रहते। ये सब जो निर्माण हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, ये कब का हो जाना था आबादी के मांग से। ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज यदि हम बना देते आज से 10 साल पहले तो कुछ शक्ल और होती, सड़कें जैसे अटल जी ने बनाई, ये 47 में यदि हमारी प्रायोरिटी में होती तो प्रायोरिटीज़ पूर्व की ठीक नहीं रही हैं। लेकिन अब जादू तो नहीं हो सकता, मुकाम पर जाने के लिए धीरे धीरे एक सीढ़ी चलना पड़ेगा। और अभी हम ये कहना है कि बल्कि लोग दिक्कत ये है कि ये बहुत तेज़ गति की सरकार, बहुत तेज़ गति से माने अवरोध बेचैनी होती है, चाहे आर्थिक मामलों में हो, चाहे GST के मामले में हो, चाहे नोटबंदी के मामले में हो, तो आदमी धीमे चलना चाहता है और ये जो बातें आती तो उससे कठिनाई होती है। अब लेकिन धीरे धीरे मोबाइल सीख गया कि नहीं, बरेली हमारा कौन आदमी जो मोबाइल नहीं रखे, दौड़ चला रहा आदमी मोबाइल रखे, तो ऐसे ही कंप्यूटर पे भी अब नाम भी फीड करने लगा, सब करने लगा। तो ये सारी चीज़ें भी हल होंगी, रोजगार के भी बहुत अवसर अब सृजित होते जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चिंता करते हैं। जल को लेकर काफ़ी चिंतित रहे आप, जल को लेकर संकल्प भी आपके थे कई। यहाँ देखो, यहाँ हम यदि बरगी नहीं आती, अटल जी ने 100 करोड़ रुपया दिया और ये बरगी गोटे गांव से आगे नहीं तो ये कलवर्ट नहीं बना, यहाँ का पानी यहाँ तक नहीं आया, बरगी की उम्र ख़त्म होने को आई, नहरें नहीं बनी, 100 करोड़ का देकर के बजट और ये बरगी अब कहाँ तक पहुँच गई। हम पहुँचने वाले गाड़रवारा के आसपास चक्कर पे, अब ज़रूरत है जो हमारी छोटी नदियाँ हैं इन पर हमें स्टाफ डैम बनाना पड़ेगा, फीडिंग हमें यहाँ से करना पड़ेगी, ये तैयारी भी करना पड़ेगी, नहीं तो हम सेलो ट्यूब नदियों के लिए भी संकल्प करेंगे। नदियों के लिए भी नहीं, नदियों छोटी नदियों के लिए भी हमें रिचार्ज करना पड़ेगा, और आम जनता को भी सोचना पड़ेगा किफ़ायती उपयोग, और यही पहचान है हिंदू संस्कृति की, सनातन की, और लोगों से हटके के प्रकृति का कम से कम दोहन,
और लोगों का कि बेसमार दो चाहे दुनिया मर जाए। हमारा ये कहना है कि जितना लोग नर्मदा जी के लिए अपन जो लाते हैं जल लाते हैं तो दूध चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, लकड़ी चाहिए तो प्रणाम करके जितनी लकड़ी चाहिए उतनी लो। यदि हमने ये किया होता तो शायद ये दुर्दशा नहीं होती। अब धीरे धीरे इस पर लोग आ रहे हैं, आना चाहिए। पानी का किफ़ायती उपयोग, आज देश के सर्वोच्च सदन में आप पहुँचे, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, सीखने का मौका मिलेगा। अभी ये अपन ने जो प्रशासकीय काम है और जो काम अपन ने देखे हैं इनको सीखने और देखने का मौका मिलेगा। बहुत बड़े बड़े लोग हैं उसमें, अच्छे अच्छे विचारक लोग हैं। ये वैसे अपर सदन जो है वो दलगत राजनीति से उठ करके जो टेक्निकल लोग हैं, जो शिक्षाविद लोग हैं, जो हर विषय के जो पारंगत लोग हैं, उनको स्थान राष्ट्रपति जी को भी अधिकार है 12 लोगों को भेजने का, जो प्रतिभाएं हैं देश की। अभी आपने जो पद्म जो पुरस्कार मिले, आप जरा पढ़ना उनकी हिस्ट्री, इतने सटीक पुरस्कार शायद हमें इंडियन हिस्ट्री में अभी पिछले 2-3 दशक में तो देखने नहीं मिले। जिले की जनता आपके निर्वाचन से इसलिए से बहुत खुश है। नहीं, नहीं, उनका ये कहना है कि ये 15-20 साल पहले हो जाना था जो आज क्या कहेंगे। हाँ, प्रकृति जब जिससे जो काम लेना चाहती है, आदमी तो पूरी कायनात का मालिक बनना चाहता है, लेकिन प्रकृति चाहेगी जब होगा, लोग चाहेंगे, लोगों का मन चाहेगा, लोगों की भावना के कारण हमें ऐसा लगता है कि जितना प्रेम और जितनी लोगों में दया थी हमारे प्रति, दया का भाव था, वो ही माने प्रस्फुटित हुई है, वो ही परवान चढ़ी, इसलिए ये परिणाम। थैंक यू।